हाँ तो एक बार फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग ये है कि आज हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने जा रहे, बल्कि मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना पर्सनल होम थिएटर दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैं बीते 8 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, बीते 8 महीने से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि है ट्रॉनिका BT444। एक ब्लूटूथ वाला 4.1 होम थिएटर सिस्टम है, जिसमें 6 इंच का बूफर मिलता है। इसमें देखिए एलईडी पैनल कितना मस्त दिख रहा है। उसी के साथ आपको यहाँ पे बेस कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल और यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाए। इस तरह के 4 स्पीकर भी मिल जाते हैं। साइज में देखिए कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो ये देखिए इसका बूफर कितना ज्यादा बड़ा है। इसमें आपको 6 इंच का बूफर मिल जाता है, इसीलिए मैं इसको काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसका बेस भाई साहब ए ग्रेड है, मानेंगे नहीं इसकी कीमत कितनी ज्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपए। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये आपको 3000 से 3200 रुपए के बीच में मिल जाएगा। आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। आप डिफरेंस समझ ही सकते हैं, जो रखा हुआ है अपना नॉर्मल 20 वॉट का 4 इंच का बूफर लगा हुआ है, और ये वाला अपना 6 इंच का बूफर है। जरा आप साइज का अंदाजा लगा ही सकते हैं, 12 इंच वाला, ये 30 सेंटीमीटर वाला स्केल है। तो यही डिफरेंस है, और यही डिफरेंस इधर भी नहीं है, साइड में भी है। चलिए मैं इसको पलट के भी दिखाता हूँ। अपना सिंपल 8 इंच का है, और ये अपना पूरा 12 इंच, निकाल के दिखा देता हूँ। अगर मेरी माने तो मेरे हिसाब से बेस्ट होम थिएटर सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें आपको 6 इंच की बड़ी बेस मिल जाए और 4.1 चैनल का मिल जाए, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। वोकल एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्प है, बल्कि 100% वॉल्यूम करने पे भी इसकी आवाज इतनी सी भी नहीं फटती है। तो हमेशा से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेस्ट ही होते हैं। हमेशा अगर आपको वही वाला थम्पिंग वाला बहुत ही तगड़ा इफेक्ट चाहिए, तो आपको हमेशा सब बूफर को जमीन पे रखना चाहिए। तो आपको हमेशा कोने में लगाना चाहिए। जैसे एक बार साउंड टेस्ट बेस टेस्ट आपको मैं ऐसे खोल के इसको दिखा देता हूँ। मैं आपको एक अलग टाइप की टेस्टिंग दिखाता हूँ, तो जाके दूसरे वाले रूम में जाके आपको दिखाता हूँ, तो बेस दूसरी तरफ किस तरह से सुनाई देगा। चलिए जल्दी से इसको कोने में प्लेस कर लेते हैं। सकते हैं मैं दूसरे रूम में इस टाइम। अब बेस सुनिएगा इसका, बहुत तगड़ा है। अगर आप यहाँ होते तो आपको फील, इस गेट को छूने तक में भाई साहब बेस का इफेक्ट जनरेट हो रहा है, मतलब ये गेट तक हिल रहा है। अब चलिए वापस चलते हैं। आप यहाँ पे इसको फील नहीं कर पा रहे हैं, कानों में ये आवाज कई सारे मीडियम के होते हुए जा रही है। पहले मेरे माइक में जाएगी, इस कैमरे के प्रोसेसर में जाएगी, उसके फोन के प्रोसेसर मतलब साउंड कार्ड में जाएगी, फिर उसके बाद आपके हेडफोन में जाएगी, फिर आपके कानों तक पहुंचेगी, जमीन तक है। इसमें तक में वो वाइब्रेशन फील होती है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसका डब्बे को तो मैंने भगवान के पास भेज दिया था। मतलब इसका डब्बा तो काफी पहले से है ना मेरे पास, तो इसका डब्बा वगैरह सब फेंक फाक दिया है। इसकी हालत भी आप देख सकते हैं किस तरह की हो गई है, देख सकते हैं कितने टाइम से मेरे पास पड़ा होगा, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्रैच पड़े हुए हैं, फिर रफ यूज किया गया, मतलब कई बार पार्टी वगैरह में मैं इसको लेके चला जाता था अपने दोस्तों के यहाँ। देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड में है, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ है। और यहाँ पे देखिए वॉल हैंगर भी आपको मिल जाता है, उसके साइज आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ा है। देखिए इसकी लाइट एलईडी का इफेक्ट रात में जब आप अंधेरा कर देते हैं पार्टी वगैरह में, तो किस तरह का दिखाई पड़ता है। साउंड टेस्ट बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, चलिए जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं, को हटा लेते हैं। ये बूफर आपको 6 इंच का मिल जाता है, मतलब जैसा कंपनी क्लेम करती है एकदम सेम वही 15 सेंटीमीटर मिल जाता है। देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बूफर इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है। इसके पेच खोल लेते हैं पीछे से सारे, देखिए 10 पेच लगे हुए दिख जाते हैं। चलिए सबको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। देख
सही से खुल नहीं रहा है। चलिए दो वायर जल्दी से हटा लेते हैं, ये वाला हटा लेते हैं और एक ये एफएम एंटीना वाला हटा लेते हैं ताकि मैं दिखा सकूं आप लोगों के लिए। मैंने सही से इसे खोल दिया, यहाँ एक वायर हटा के और वहां से एक वायर हटा के ताकि ये पूरी तरह से खुल जाए। यहाँ पे जो आईसी यहाँ पे देख सकते हैं टीडीए 2050, ये दोनों तो 2030 आईसी लगी हुई है और ये दो 2050 की आईसी लगी हुई है, मतलब 64 वॉट आउटपुट तो आपको इन दोनों आईसी से ही मिल गया। और यहाँ पे ये दो आईसी 2030 आईसी है जो की 16 वॉट का आउटपुट देती है सिंगल। इसमें आपको आईसी के बेस के हिसाब से देखते हैं फुल आउटपुट इसका कितना आता है। चलिए पहले 2030 आईसी का कैलकुलेट कर लेते हैं। एक आईसी 16 वॉट देती है 2030, 16 × 2 तो ये हो गई 32 वॉट। और ये वाली जो 2050 आईसी है वो सिंगल 32 वॉटेज का आउटपुट देती है। देख सकते हैं इसमें 96 वॉट की इसमें आईसी लगी हुई है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं 100 वॉट तक का पावर आप देख सकते हैं। आप इतने सारे कैपेसिटर लगाए जाते हैं जो और बूस्ट कर देते हैं। अब कुल मिला के आप इसको मान लीजिए 100 वॉट के पूरा होम थिएटर सिस्टम है। मेड इन इंडिया हमें प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, आप खुद ही समझ गए होंगे किस लिए। आप खुद ही देख सकते हैं इसमें कितना अच्छी क्वालिटी के इसमें सामान इस्तेमाल होते हैं। अभी 4558 की यहाँ पे देखिए दो आईसी और लगी हुई दिख रही है। एक आईसी का काम है कि दो आईसी को एक साथ मर्ज करना और दूसरी आईसी लो बेस फिल्टर के लिए है, सॉन्ग में से बेस अलग करके बूफर को देने के लिए। ये वाली आईसी लगी हुई है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देती है। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रांसफार्मर इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। ये पूरा कॉपर का बना हुआ ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे जितने सामान इस्तेमाल हुए ज्यादातर मेड इन इंडिया ही सामान है, अच्छी क्वालिटी का। इसमें MDF बोर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, खुद ही आप देख सकते हैं अंदर ICI का मार्ग लगा हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो आपको एक बार इसे ट्राई जरूर करना चाहिए। और बूफर भी देख रहे हैं पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। क्वालिटी वाइज तो इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एकदम बढ़िया अच्छी क्वालिटी की आईसी। हीट सिंक भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी है। तो देख लिया भाई साहब, ये जो बगल में अलमारी दिख रही थी इतनी तगड़ी हिल रही थी भर भर। ये तो छोड़िए इसके पर्दे के पीछे जो शीशा है ना, सुबह जब मैं बजा रहा था तो शीशा तक भर भर कर रहा था। अब चलिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा। अगर आपको हिंदी पंजाबी गाने में अगर साउंड टेस्ट बेस टेस्ट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वहाँ मैंने कुछ गाने बजाए हुए हैं।